पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा और आज हम अपने नॉलेज को फिर थोड़ा और एनरिच करने वाले हैं और कुछ और नई बातें सीखने वाले हैं। जैसे ए पॉलिनोमियल इज डिनोटेड एज पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, ये एक एग्जांपल है। सपोज एक पॉलिनोमियल है, सपोज देयर इज अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव। इस पूरे पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है इस तरह से, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव। या इसी पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एफ एक्स, यहां ब्रैकेट में वही होगा जो वेरिएबल यहां यूज हो रहा है। हम लोग यहां एफ एक्स लिख सकते हैं, पी एक्स लिख सकते हैं, के एक्स लिख सकते हैं, एच एक्स लिख सकते हैं, लेकिन एच वाई नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें उसी वेरिएबल को रखना है जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज किया गया है। तो अगर ये एक्स वेरिएबल है तो यहां हमें एक्स ही लिखना पड़ेगा, भले ही यहां पे हम पी क्यू एच एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करना, वैल्यू कैलकुलेट करना किसी एक डिफिनेट पॉइंट पे, उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट अल्फा। यहां ये अल्फा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, रूट टू हो सकता है, रूट फाइव हो सकता है, कोई निगेटिव नंबर हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है। अल्फा कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कैलकुलेट करना है इस पॉलिनोमियल पी एक्स या इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का वैल्यू, अगर हमें इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है टू पर, तो हम लोग उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट टू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट टू। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट टू का मतलब है कि हम उसे डिनोट करेंगे पी टू से, जहां पे नॉट पी टू बट एफ टू से। एफ वैसा ही रहेगा क्योंकि एफ एक्स डिनोट कर रहा है उस पॉलिनोमियल को, जहां एक्स लिखा हुआ था वहां हमने टू लिख दिया। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जहां कहीं भी एक्स है वहां हम टू पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ टू इक्वल्स टू टू इंटू एक्स की जगह टू पुट किया, एक्स स्क्वायर की जगह पे टू स्क्वायर प्लस टू प्लस फाइव। इसे कैलकुलेट करके जो हमारा रिजल्ट आएगा टू टू सर फोर टू जे एट प्लस टू प्लस फाइव, दिस इक्वल्स टू 15। हमारे ये जो रिजल्ट आता है 15, तो हम लोग कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट टू विच इज डिनोटेड एज एफ टू इज इक्वल टू 15। इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का वैल्यू पॉइंट टू पे 15 होता है। ये किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है। हम लोग इस तरह के एक दो और एग्जांपल करते हैं जिसमें कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमारे सामने एक दूसरा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें इसका वैल्यू निकालना है एट टू। वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट इज डिनोटेड एज, अगर हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स उसका वैल्यू एट पॉइंट टू को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। किसी पॉलिनोमियल का किसी गिवन वैल्यू पे जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, पी एक्स का वैल्यू टू पर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट टू, पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू टू पर, उसे हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। हमें निकालना है एट टू, दैट इज डिनोटेड एज पी ब्रैकेट टू, दिस इज इक्वल टू, जहां x था वहां हमने 2 लिखा है, तो RHS में जहां x है वहां हम 2 लिखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2, दिस इक्वल्स टू 4 प्लस 2,
दिस इक्वल्स टू 6। तो हम लोग कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x एट 2 इज इक्वल टू 6। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x एट अ पॉइंट 2 इक्वल्स टू 6। सिमिलरली हम लोग कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। लेट द पॉलिनोमियल बी सेम एट 0। px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x का वैल्यू 0 पर निकालना है। इसे हम लोग डिनोट करेंगे p0 से, क्योंकि 0 पर वैल्यू निकालना है, हम लोग p0 से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जहां कहीं x लिखा हुआ है उसकी जगह पे 0 लिखते हैं। 0 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x एट 0 इक्वल्स टू 0। एट 5 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x एट 5 इज कैलकुलेटेड एज p5 इक्वल्स टू, जहां x लिखा हुआ था वहां पे 5 लिख देना है, 5 स्क्वायर प्लस 5 दिस इक्वल्स टू 25 प्लस 5 दिस इक्वल्स टू 30। सो वी कैन से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 5 इक्वल्स टू 30, या इसे ही हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 5 इक्वल्स टू 30। हम लोग बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे सिंपली डिनोट करते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x एट 0.5 इक्वल्स टू 30। सो नाउ वी नो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी गिवन पॉइंट और एट एनी गिवन वैल्यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? अगर मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है px, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, px एक पॉलिनोमियल है एंड इफ देयर इज एनी नंबर अल्फा, और अगर कोई नंबर है अल्फा उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। इफ px बी अ पॉलिनोमियल एंड देयर इज ए नंबर अल्फा, और वो अल्फा ऐसा होता है कि वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट अल्फा दैट इज p अल्फा इक्वल्स टू 0। x के जिस किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, x के जिस किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा उसे दैट इज अल्फा को या उस नंबर को हम लोग उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। इसे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल का हम अलग अलग पॉइंट पे अल्फा के अलग अलग वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एट 0 हम लोग 0 पे इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग x की जगह पे 0 लिखेंगे। जहां पे भी x लिखा हुआ है वहां पे हम लोग 0 लिखेंगे। 2 इंटू 0 माइनस 2 दिस इक्वल्स टू 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। एट 1 इट विल बी डिनोटेड एज p1 2 इंटू 1 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दिस इक्वल्स टू 0। जीरो जो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या था? जिस किसी भी वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू 0 के बराबर हो जाए
उस नंबर को, जिस नंबर के लिए उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, उस नंबर को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां पे जब हमने जीरो रखा तो जीरो पे पॉलिनोमियल का वैल्यू माइनस टू आया। जब हमने उसे एट वन पे कैलकुलेट किया तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस टू का वैल्यू वन पे जीरो हो जाता है। तो जिस वैल्यू के लिए, एक्स के जिस वैल्यू के लिए, एक्स की जगह पे जिस वैल्यू को रखने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसे हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कौन से वैल्यू के लिए जीरो हो गया इसका वैल्यू? वन के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं सो वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर कोई पॉलिनोमियल है x के जिस किसी भी वैल्यू के लिए, x के जगह पे 0, 1, 2, 3, जिस नंबर को रखने पे 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए, दैट मीन्स पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं या 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू निकालना है जीरो पर। x इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आने वाला है? हम लोग इसे कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट विच पॉइंट? एट जीरो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट जीरो। वैल्यू पॉलिनोमियल पी एक्स एट जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे डिनोट करेंगे, पी एक्स की जगह जीरो लिख देंगे। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? आरएचएस में जो वैल्यू लिखा हुआ, जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन उसे लिखेंगे। फर्क ये होगा कि जहां कहीं भी एक्स लिखा हुआ था वहां हम जीरो लिख देंगे, टू इंटू जीरो स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 5 माइनस 0 प्लस 0 दिस इक्वल्स टू 5। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट जीरो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट जीरो इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर वन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरह से तीन वैल्यू निकालने हैं आपको। एक मैंने निकाल दिया और इसी के बेसिस पे बाकी दोनों वैल्यू आप आसानी से निकाल देंगे। इन क्वेश्चन नंबर टू देयर इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। वाई वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है पी वाई, दिस इक्वल्स टू 4 प्लस 3y माइनस y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y क्यूब। हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है 2 पर। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई एट 2। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई एट 2। किसी भी पॉलिनोमियल का किसी गिवन पॉइंट पर वैल्यू निकालने के लिए, उसे डिनोट करने के लिए हम लोग पी ब्रैकेट वाई के जगह 2 लिख देंगे। और उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आरएचएस में जो एक्सप्रेशन है उसमें वाई की जगह 2 पुट कर देंगे। 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई की जगह 2 पुट करेंगे 2 क्यूब। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 4 प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 5 जा 14। एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 14। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, द वैल्यू कम्स टू बी 46। सो वी कैन से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई एट 2 इक्वल्स टू 46। इसे बोलना सीखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई एट 2 इक्वल्स टू 46। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सेकेंड आपके लिए सोल्व कर दिया है। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उसे आप करके प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स।
3x which is equal to x cube minus 3x square plus 2x. Now we have to find the value of polynomial at 0, at 1 and at 2. P bracket 0 means value of polynomial at 0, P bracket 1 means value of polynomial at 1 and value of polynomial at 2. पहले हम लोग लिख लेंगे जो पॉलिनोमियल हमारा हमें मिला है, फिर हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट जीरो. आरएचएस में जहां पे भी एक्स था उसके जगह हम लोग जीरो रखेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे. अलग अलग वैल्यू के लिए तीनों के लिए मैंने कैलकुलेट किया. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट जीरो भी जीरो आया. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वन इक्वल्स टू जीरो. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट टू ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो. That means for 0, 1 and 2, for all these three values, value of polynomial becomes 0. तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि x के जगह जिस वैल्यू को रखने पे या x की जिस वैल्यू के लिए polynomial equals to 0 हो जाए, polynomial का calculation, calculated value अगर 0 हो जाए तो उन सारे नंबर्स को, उन सारे पॉइंट्स को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. तो पी जीरो के लिए भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया, पी वन के लिए भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया और पी टू के लिए भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया. तो हम कह सकते हैं सो जीरो, वन एंड टू आर zeros of the polynomials. जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए उसे हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, जीरो, वन एंड टू आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. पहले इधर पूरा यहां तक लिख लेंगे, लास्ट में ये इनलाइन लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है, उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट 4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x माइनस 4. इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल px विच इक्वल्स टू x माइनस 4. हमें ये वेरीफाई करना है कि ये नंबर 4 किसका जीरो होगा. जीरो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 4 रख देंगे. हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट 4 कैलकुलेट करेंगे. एक्स की जगह 4 रखेंगे, दिस इक्वल्स टू 0. हमने क्या देखा कि अगर उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे 4 रखते हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, और जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसे हम लोग 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. यहां पे 4 क्या होगा, 4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. हमें वेरीफाई करना था 4, ये जो नंबर 4 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं. हमारा आंसर क्या होगा, अफर्मेटिव होगा. सो 4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. क्वेश्चन नंबर 7 भी वेरिफिकेशन है. वेरिफिकेशन है कि क्या 1 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है. एक पॉलिनोमियल है पी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. हमें ये वेरीफाई करना है कि 1 और 2 इसके जीरो है या नहीं. दैट मीन्स हमें ये वेरीफाई करना है कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट 1 जीरो आता है या नहीं. हमने x की जगह पे 1 रख के चेक किया, जहां x था वहां 1 रख दिया और RHS में भी जहां x था वहां 1 का यूज किया. सो x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 कैलकुलेट करने पे वैल्यू 0 आया. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 1 इक्वल्स टू 0.
Similarly, value of polynomial px at 2 also equal to 0. And value of polynomial px at both 1 and 2 equals to 0. इसका सीधा कंक्लूजन ये होता है, 1 के लिए भी इसका वैल्यू 0 आ गया, 2 के लिए भी वैल्यू 0 आ गया. That means, polynomial px का दो 0 है, एक 1 है और दूसरा 2 है. That means, 1 and 2 both are zeros of the polynomial. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया px equals to x minus 5. हमें पता करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका जीरो. किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का फाइंड आउट करने का मतलब है x के किस वैल्यू के लिए x minus 5 का वैल्यू जीरो हो जाएगा. दैट मींस px equals to जीरो हो जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे फॉर px equals to 0. अगर px 0 हो जाएगा, that means x minus 5 equals to 0. Because px is equal to x minus 5. और px कितना हो गया? 0 हो गया. 0 के लिए, 0 find out करने के लिए क्या करना होगा? px के value को 0 कर देना होगा. So px equals to 0. That means x minus 5 equals to 0. This means x equals to 5. x का जो value आ गया, वही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा. सो 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स. सो इजी. आइए अब इस चैप्टर का हम लोग सबसे इजी क्वेश्चन बनाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल px जिसका वैल्यू है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b. 2 और 0 इसका 0 है. हमें पता करना है इस a का वैल्यू और b का वैल्यू. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? गिवन पॉइंट 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का दो जीरो है, दो और जीरो, यानी x की जगह पे दो रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा और दो की जगह सॉरी x की जगह जीरो रखने पे भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा. जीरो पॉलिनोमियल x का एक जीरो है. दैट मींस पी जीरो इक्वल्स टू जीरो. पी जीरो इक्वल्स टू जीरो, LHS 0 हो गया तो RHS का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दैट मींस RHS जहां x था वहां 0 रखेंगे. 2 into 0 क्यूब माइनस 5 into 0 स्क्वायर प्लस a into 0 प्लस b. दिस इक्वल्स टू 0. ये कैंसिल हो गया, 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है. मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तीनों 0 हो जाएगा. बचेगा b. दैट मींस b इक्वल्स टू 0. इसे हम लोग इस तरह से ब्रैकेट कर देंगे जिसमें कि पता चलेगा कि हमने b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. इसे चाहे तो इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं. हमने p 0 का वैल्यू निकाला और जब p का वैल्यू 0 के बराबर किया तब पॉलिनोमियल में हमने कैलकुलेट किया b का वैल्यू 0 आता. अब p पॉलिनोमियल में जहां x था वहां 2 रख के देख लेंगे तो p2 इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है. दैट मींस इसका RHS 2 into 2 क्यूब x की जगह 2 रखेंगे माइनस 5x स्क्वायर x की जगह 2 रखेंगे 5 into 2 स्क्वायर प्लस a into x की जगह 2 रखेंगे प्लस b इक्वल्स टू 0. क्योंकि LHS 0 है इसका मतलब है RHS भी 0 होगा. इसे कैलकुलेट करते हैं तो आता है 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0. 16 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 4. b का वैल्यू 0 आया था तो जहां b था वहां हमने 0 लिख दिया तो माइनस 4 प्लस 2a इक्वल्स टू 0. 4 को हमने RHS में राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया. 2a इक्वल्स टू 4. a का वैल्यू कितना आ गया? 2. हमें क्या निकालना था? वैल्यू ऑफ a एंड b जिसे हम लोगों ने बहुत ही आसानी से निकाल लिया. अब इस क्वेश्चन में लिखना किस तरह से है, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में किस तरह से आंसर करना है
ये अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और बिल्कुल इसी मेथड का यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा।